मदरसा फातिमातु जहरा लिल बनात सोलापुर की जानीब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बच्चों की एग्जाम, जिसमें 100 सवालों के सही जवाब बच्चों को लिखने होंगे, जिसमें सोलापुर शहर के सभी उर्दू स्कूलों के बच्चों की इस इम्तिहान में दाखिला दिया गया, जिसमें एक बच्चे को 50 रुपयों की फीस रखी गई है। तो आज रविवार 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे से 11 बजने तक एमए पांगल हाई स्कूल सिद्धेश्वर पेट सोलापुर इस एग्जाम में 5वीं क्लास से 10वीं क्लास के बच्चों को दाखिला दिया गया था, जहां पर एग्जाम क्लासरूम में ईदगाह मैदान में बच्चों को एग्जाम पेपर लिखते हुए देखा जा सकता है। यह एग्जाम लेने का मकसद यह है कि बच्चों में दीन की ज्यादा से ज्यादा मालूमात हो और बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझे और उस पर अमल करे। यही इस एग्जाम का मकसद था, जिसका पहला इनाम 2100 रुपए, दूसरा इनाम 1100 रुपए, तो तीसरा इनाम 500 रुपए रखा गया था। जिस कारणवश इस एग्जाम के मौके पर बच्चे, नौजवान, पेरेंट्स आदि बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस दौरान बच्चे और पेरेंट्स ने लोक प्रधान न्यूज चैनल से क्या कहा, देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट। जो कि बहुत ही अच्छी थी, जो कि फातिमा मदरत फातिमातु जहरा ने बनात की जानिब से थी, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस इम्तिहान को देखकर। इस इम्तिहान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात दी गई थी, एंड इसमें 100 क्वेश्चन थे जो कि मैंने पूरे हल किए। अस्सलाम वालेकुम। और फातिमा को जो फातिमा मदरसे में पढ़ता हूँ, अब यहाँ पे सब सबका ये एग्ज़ाम था, यहाँ पे ये सीरतुल नबी का एग्ज़ाम था, ये हर साल होता है, ट्यूशन मदरसा सब कुछ है। कितने सवाल थे, क्वेश्चन कितने थे अंदर? यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे, और जो हमको एक बुक दी जाती है उसमें 250 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कौन सी भी एक देते क्वेश्चन 100। कैसा लगा तुमको पेपर लिखकर? बहुत अच्छा लगा, और सब दीन के बारे में था, मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज अनिला मोहम्मद अर्दे, आई एम फ्रॉम फातिमा कोचिंग क्लासेस। ये मदरसे के, ये मदरसा है, ये घर बाड़ी कोर्स रहते हैं, तो इससे दीनी मालूमात मिलती है हमको। आज पेपर था, आज हमारा पेपर बहुत अच्छे से गया और हमको दीनी मालूमात बहुत सारी मिली है। क्या क्या था पेपर में? पेपर में नबी की सीरत, कभी नबी की मालूमात मिली हमको सबको, और ये कोर्स सबको हमें हर साल होता है, इसका इनाम है ना। कितने टोटल कितने क्वेश्चन थे? टोटल 100 क्वेश्चन थे, बुक में 250 क्वेश्चन थे, 100 उसमें से आने वाले थे। और मैं फोर्थ क्लास में पढ़ती हूँ, यहाँ पे पांगल स्कूल में फातिमातु जहरा ली बनात का ऊपर एक पेपर था, जो कि 100 मार्क का था, तो माशाल्लाह मैंने पूरे सवाल जवाब मैंने हल किए, और बहुत ही अच्छे। और कई पर थे सवाल जवाब बेटा? सीरतुल नबी पर थे। आपको पहले नबी की जिंदगी मालूम थी? नहीं, जैसे ही बुक आई तो पूरा जो ध्यान है ना सीरतुल नबी माशाल्लाह। और फातिमा जहरा ने जो तीन टीचर है ना, उन्होंने बच्चों की बहुत मेहनत और लगन से ना बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है रोमाना बाजी ने बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है, जिसमें बच्चों को दीन की मालूमात मिल रही है, जिससे बच्चे हमसे भी जैसा बाजी ने कहा है वैसे मेरा भी बच्चा सवाल कर रहा, मैं इतनी अच्छी दीन की मालूमात हमको घर पर बैठे मिल रही है। बच्चे मोबाइल में थे लेकिन देने की वजह से रोमाना बाजी बच्चे पढ़ाई में लगे, बच्चे इन छुट्टियों में खास फोकस करें, ये क्या है दिन की मालूमात हमको पेपर देने का है, वहाँ पर जाकर पांगल स्कूल में अम्मी करके बोले हमारे बच्चे। अल्लाह का शुक्र है रोमाना बाजी ने हमको भी मौका दिया हमारे बच्चों को यहाँ पर आकर एग्ज़ाम देने का, दीनी मालूमात उनके ज़रिए हमारे बच्चों को मिल रही है, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे बच्चों को, जो फातिमा
मदरसे से जो ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर बच्चों का पेपर जो ले रहे हैं नबी की ज़िंदगी पर, जो जिसमें पूरी किताब उन्होंने छाप कर हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए पहले ही दी थी, फिर उसके सवाल जवाब यहाँ पे जो ले रहे हैं माशाल्लाह बारकल्ला, हमारे बच्चों को इतना नॉलेज मिला अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो खुद नबी की ज़िंदगी सॉल्व करने के लिए यहाँ आए हैं। बोले तो क्वेश्चन आंसर के ज़रिए उन्होंने बता रही थी हमारे नबी की ज़िंदगी कैसी थी। हमारे बच्चों को हमेशा ज़िंदगी में ये मालूम था कि कौन सी हीरोइन कैसी है, ये हीरो क्या पहनता, वो हीरोइन कैसी है, दुनिया का सब नॉलेज हम लेते थे, लेकिन नबी की ज़िंदगी के बारे में इतनी मालूम किसी को नहीं थी। माशाल्लाह बारकल्लाह जो किताब छापी गई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइश से लेकर वफात तक के बारे में बताया गया है, जैसे कि जंग कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कितने लोग थे, मुसलमान कितने थे। माशाल्लाह इतनी अच्छी नॉलेज मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा लिल बनात मदरसे के ज़रिए, रोमाना बाजी के ज़रिए हमारे बच्चों में जो बदलाव आ रहा है माशाल्लाह। हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं मुझसे कि अम्मी ये कैसा है, वो कैसा है, ये ऐसा हुआ क्या। हाँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम था, यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी नहीं मालूम था कुछ बातें हमारी नबी की ज़िंदगी के बारे में, सहाबा के इकराम के बारे में। माशाल्लाह इस इम्तिहान के ज़रिए सब कुछ मालूम पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के ज़रिए और ये बाजी के ज़रिए हमको भी दिन जो भूला हुआ था वो पता चल रहा है, हम बच्चों के सवाल और के जवाब सुन के हमको भी याद हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ दीन के मुताबिक चल रहा है। फातिमा एजुकेशन सोसाइटी ने जो कदम उठाया है सिर्फ दीनी माहौल है, आज दीनी माहौल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को आज हमको आज जो है ना दीनी माहौल में रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल नए नए जो हरबे निकले हुए हैं जैसे मोबाइल है, मैं देखता हूँ कि भाई लड़कियों के हाथ में भी जो मोबाइल, ये गलत चीज़ है। इंसान में अगर घर हर घर के अंदर दीनी माहौल अगर रहा तो बच्चों में भी जो है दीनी माहौल पैदा होता है, क्योंकि माँ की गोद ये पहली दर्शगाह है, यहाँ पर बच्चा सीखता है और यहाँ पर बच्चों की तरबियत होती है। तो अगर वो घर दीनी माहौल में अगर रहेगा तो बच्चे भी जो है दीन पर अपने कदमों को जमाएंगे, क्योंकि आज हालात जो है ना बहुत नाजुक हैं, क्योंकि हमको अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह ये जो आए हुए हालात हैं इसको बदल दे और तेरी मदद फरमा। आमीन आमीन। आए जो हालात हैं तेरी मदद फरमा, ये हर एक घर में, और मैं तो कहता हूँ कि हर घर के अंदर ये दुआ मांगे कि अल्लाह ये जालिम बादशाह को जो है हटा दे और हम पर जो है ना हमारी इमदाद फरमा। फलस्तीन का भी मसला है, कैसे मजालिम वहाँ पर ढाए जा रहे हैं। इसराइल का जो कदम है बहुत ही गंदा कदम है, अल्लाह उसके कदमों को भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। इतना कहते हैं मैं आपसे। मेरा नाम इमामुद्दीन फरीदुद्दीन अरीब, रिटायर्ड एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर जिला परिषद सोलापुर। आज का ये जो प्रोग्राम रखा है फातिमा एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से, उनके जो फाउंडर हैं, अध्यक्ष हैं और उनकी टीम को मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे पैमाने पर एमबी पानगल हाई स्कूल में एक दीनी मालूमात का एग्ज़ाम रखा है। इसकी वजह से सोलापुर के तमाम उर्दू स्कूलों के बच्चे तुलबा व तालिबात यहाँ पर हाजिर होकर अपने इल्म का और दीनी मालूमात का इजहार करने के लिए क्विज के सिलसिले में यहाँ पर तमाम बच्चे हाजिर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बोले तो बच्चों में उनके जिस्म में रुकी हुई इश्तेहारात का जो मामला है वो बच्चों को जिल्म में आया है। और सबसे बड़ी बात का मामला है कि ये फातिमा एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर ने बड़े अच्छे पैमाने पर यहाँ पर एग्ज़ाम का इनेकाद किए हैं। हर बच्चे को तकरीबन 250 से 300 क्वेश्चन देकर तकरीबन दो ढाई महीने से उनकी बच्चों की पेरेंट की तरफ से तैयारी लेकर उनका यहाँ पर एहतमाम किया है। मैं सबसे पहले इस फातिमा एजुकेशन फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों के दिलों में जो जज्बात है जज्बात को उजागर करने के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। यहाँ पर हर स्कूल के सोलापुर के तमाम
उर्दू हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल जमात चहरुम से लेकर दहुम तक के तमाम बच्चों के एग्ज़ाम का इनेकाद किया है। और सबसे बड़ी बात बोले तो यहाँ पर बच्चों के दिल में दीनी मालूमात का जज्बा पैदा हुआ है। और हमें हमारे पेरेंट्स को भी मैं इन पेरेंट्स को गुजारिश करता हूँ कि इस काम में इन तमाम अपने छोटे मोटे बच्चों को दाखिला देकर यहाँ पर अपने बच्चों को दीनी मालूमात से उजागर करने के लिए उनके स्कूल में दाखिल कीजिए। और सबसे बड़ी बात बोले तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी मुशक्क़त के साथ बड़ी मेहनत के साथ ढाई महीने से लेकर आज तक का उन्होंने कोशिश की है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है उसी तरह से गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तरह ही बच्चों को सीट नंबर दिए हैं, बच्चों को डेस्क पर बिठाकर उन्होंने इम्तिहान दिए हैं। तकरीबन 3 घंटे के 8 से लेकर तकरीबन 11 बजे तक का इन्होंने ये इम्तिहान दिए हैं। और अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि इन्होंने जो कदम उठाया है उनको कदम उठाया उनमें ताकत उनके दिल में जस्तजू और उनको मोहब्बत और कौम की मोहब्बत करने का जज्बा अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार आली में मैं दुआ करता हूँ कि उन्हें हिम्मत दे और ईमान की दौलत दे। और सबसे बड़ी बात बेलौस उन्होंने जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ मुझे यहाँ पर बोलने का जो वक्त दिया है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।